एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक को डील नहीं करने वाली, पर हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वो जो आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ एग्जैक्ट यही टॉपिक आने वाले हैं आपके एग्जाम में और आप ये जा करके पढ़ लो, बट हाँ इतना जरूर कहूंगी कि इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। जिन लोगों ने पढ़ लिया है बताए गए टॉपिक्स को, वो आराम से निश्चिंत रहें, टाइम मैनेज करने के बारे में सोचें और किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है इसके बारे में सोचे। बट हाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जाकर के ऑडिटिंग के प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहां से जाकर के अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लें, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो जितने बच्चे देखें उतने बच्चे लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो उनको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलो सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख लोगे ऑडिटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड, ऑडिटिंग बिगिन वेयर अकाउंटेंसी एंड। ये क्वेश्चन आपको मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग के वीडियो में मिल जाएगा, मैंने वहीं पे इसको डील किया है बहुत अच्छे से, किस तरीके से लिखना है वो भी देख लेना, नोट्स है। नेक्स्ट है ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, इसका तो सेपरेट वीडियो है चैनल पे। वाउचिंग इज द एसेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, क्लियर है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है। ये तीनों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आई होप एक ना एक जरूर आएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस, जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना वो कभी भी अकेला नहीं आता, किसी क्वेश्चन के साथ इंक्लूडेड होता है। सपोज जैसे ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन मैंने दिया है, तो आ सकता है कि डिफाइन ऑडिटिंग एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, डिफाइन इन्वेस्टिगेशन एंड हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग। तो कुछ डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच के डिफरेंस को पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इन्वेस्टिगेशन की वीडियो में आपको पढ़ाया है। इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक के डिफरेंस को पढ़ लीजिएगा, इसका डिफरेंस भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है आपको, प्लेलिस्ट देखिएगा। पीरियोडिक ऑडिट वर्सेस कंटिन्यूअस ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट आपका जो वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अकाउंटेंसी वर्सेज ऑडिटिंग, ये आपका फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट का भी वीडियो आपको मिलेगा। वेरिफिकेशन वर्सेज वाउचिंग, ये वेरिफिकेशन के वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका डिफरेंस। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक मेरे चैनल पे रह गया है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिजर्व्स वर्सेस प्रोविजन, ये सारे डिफरेंस आप पढ़ लेना। नेक्स्ट स्पेशल ऑडिट में क्या पढ़ोगे, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ लेना, बैंकिंग कंपनी पढ़ लेना, इंश्योरेंस कंपनी पढ़ लेना और सिनेमा पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। देखिए अब मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक बता रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाएगा आपको, लेकिन हाँ इसमें से आ सकता है, हो सकता है कि डिफाइन करो ऑडिटिंग को ऐसा लिखा गया और साथ में ऑब्जेक्टिव और टाइप्स पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ना आए, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फ्रेम किया है। ऑडिटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस और टाइप्स पढ़ लीजिएगा। वाउचिंग पढ़ लेना, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इससे रिलेटेड ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या होती है, वाउचिंग करने के दौरान ऑडिटर किन किन चीजों पे फोकस करता है वो देख लेना। इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये तीनों चीज पढ़ना, हो सकता है कोई शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है इसका। इन तीनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेना और तीनों के रिगार्डिंग ऑडिटर की ड्यूटीज पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन और उसका इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव, वेरिफिकेशन से ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा काफी है। ऑडिट रिपोर्ट और उसके कंटेंट्स और एलिमेंट पढ़ लीजिएगा, ऑडिट रिपोर्ट मैंने पढ़ाया, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, ऑडिट रिपोर्ट पढ़िएगा, उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी मैंने पढ़ाया है देख लेना। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हाल फिलहाल में वीडियो आई थी। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व के सेकेंड पार्ट में मिलेगा, किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये भी मैंने बताया है, इससे रिलेटेड ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या होती है ये भी मैंने बताया है। कंपनी ऑडिटर की लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है और उसकी ड्यूटीज क्या है, राइट्स मेरे ख्याल से इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये तीन चीज पढ़ लेना। इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं,
डिफरेंट सिचुएशंस कौन कौन से होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव्स आए, ऑब्जेक्ट करके आए, ऑब्जेक्टिव्स आए या डिफरेंट सिचुएशंस आए या फिर काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आए, तो आंसर सेम ही होगा जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के वीडियो में बताया है। इन्वेस्टिगेटर का रिपोर्ट क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, उसको पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मैंने टोटल 7 मेथड्स पढ़ाए, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं आएगी, पढ़ लेना। फिर फाइनली आप देख लोगे ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट नोटबुक, दोनों चीज देख लेना, हो सकता है शॉर्ट नोट्स पे भी आ सकता है या फिर मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेन क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। और एक बात और, जैसे जो लोग पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है कि भाई आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर के अच्छे से वीडियो को देखिए, जो प्रॉब्लम आता है नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका क्वेरी आपको जरूर सॉल्व कर दूंगी आज के आज। क्लियर है, क्योंकि मैं काफी एक्टिव रहती हूँ अपने कमेंट सेक्शन के लिए। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन ये हो गया, डिफरेंस पढ़ लेना, जिन्होंने पढ़ लिया वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको जो स्पेशल ऑडिट अगर पढ़ना है, तो जो आप बाकी बहुत से ऑडिट हैं, मैंने ये 4 छांट के निकाला है आपके कुछ प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो आप लोग देख लेना, आपको अगर सुटेबल लगे जो भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनको मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे छांटा है, आप इसको पढ़िए, जो भी आपका मेन क्वेश्चन, आपका शॉर्ट नोट सब कुछ कवर कर जाएगा मेरे हिसाब से। और हाँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना होता, ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं। मैं वैसे क्वेश्चंस और वैसे टॉपिक बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आते ही आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं ऑडिटिंग के यूनिवर्सिटी एग्जाम में, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो कम पढ़ करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, इनको आपको स्किप नहीं करना। इसके आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, आप आराम से पढ़िए। ये नहीं कह रही कि आप इतना ही पढ़िए, हाँ आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ लीजिए, इतने में आपको एनफ मार्क्स आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हाँ, चैनल को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है।